स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ मंगलम इंटर कॉलेज, आई एम संजय कुमार तिवारी। मैंने आपको सामदीप पासिंग ऑफ अथर के दो स्टेंजा आज पढ़ाए थे। तीसरा स्टेंजा आज पढ़ाना है। इस पोएम के बारे में मैंने बताया था कि लॉर्ड टेनिसन इस पोएम के पोएट हैं और इंग्लैंड का राजा मॉर्टेडी आर्थर जो युद्ध में घायल हो जाता है, घायल होने के बाद उसके सारे सेनापति मारे जाते हैं, उसका एक सेनापति ब्रेडिवियर जो कि युद्धस्थल में जीवित बच जाता है, राजा ब्रेडिवियर से कहता है कि आप मेरी रानियों को और मुझे एक नाव पे बिठा दीजिए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। राजा का सेनापति ब्रेडिवियर और राजा को और उसकी रानियों को नाव पर बिठा देता है। नाव पर लेटे हुए राजा को देख करके राजा और उसके सेनापति ब्रेडिवियर में जो वार्ता होती है वही वार्ता इस पोएम में बताई गई है। तो थर्ड स्टेंजा है, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन से फॉर माई साउल मोर थिंग्स आर वैट बाई प्रेयर्स देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ Wherefore, let the voice rise like a fountain for me. तो थर्ड स्टेंजा में किंग मॉर्टेडी आर्थर सेनापति ब्रेडिवियर से कहते हैं कि इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ यदि दाउ मीन्स तुम, हिंदी में इंग्लिश में प्रोज में हम यू का प्रयोग करते हैं और पोएट्री में तुम के लिए दाव का प्रयोग करते हैं। तो इफ दाव यदि तुम सुडस्ट नेवर सी, नेवर मीन्स कभी नहीं, सी मीन्स देखो, माई फेस अगेन, माई मीन्स मेरे, फेस मीन्स चेहरे को, अगेन मीन्स पुनः, यदि तुम पुनः कभी मेरे चेहरे को ना देख सको तो प्रे फॉर माई साउल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। प्रे मीन्स प्रार्थना करो, फॉर मीन्स लिए, माई मीन्स मेरी, साउल मीन्स आत्मा, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। किंग कहता है कि मोर थिंग्स आर राइट बाय प्रेयर्स, मोर थिंग्स मीन्स बहुत सी चीजें, बहुत बड़े बड़े कार्य आर राइट, राइट मीन्स संपन्न होते हैं बाय प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा। तो राजा अपने सेनापति को बताता है कि बहुत बड़े बड़े कार्य प्रार्थना के द्वारा संपन्न होते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन अपेक्षाकृत दिस, यह वर्ल्ड संसार, ड्रीम्स ऑफ सपना देखना या कल्पना करना, ऐसे ऐसे कार्य जिनकी की यह संसार कल्पना भी नहीं कर सकता या जिनके बारे में सपना भी नहीं देख सकता है। वेयरफॉर लेट thy voice Rise like a fountain for me. किंग कहता है अपने सेनापति ब्रेडिवियर से, Therefore, इसलिए, let thy voice, अपनी आवाज को उठाओ, rise, उठाओ, like a fountain, एक फव्वारे की तरह, for me, मेरे लिए। तो तुम अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह मेरे लिए बुलंद करते रहो। नेक्स्ट स्टेंजा है, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नूरिश अ ब्लाइंड लाइफ इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाय गोल्ड अबाउट द फीट ऑफ गॉड। For what are men better than sheep or gods? Poet कहता है, For what? किस लिए? Men, मनुष्य, better means better है, than sheep or gods, भेड़ों से या बकरियों से? क्यों मनुष्य भेड़ों और बकरियों से बेहतर है? That nourish a blind life. इसलिए क्योंकि वे नूरिश मीन्स जीते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ, ब्लाइंड मीन्स अंधा, लाइफ मीन्स जीवन, क्योंकि वे एक अंधा जीवन जीते हैं। इफ नोइंग गॉड,
नोइंग मीन्स जानते हुए, गॉड मीन्स ईश्वर को, ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स अप प्रेयर, वे लिफ्ट नॉट नहीं उठाते हैं, हैंड्स मीन्स हाथ और प्रेयर मीन्स प्रार्थना के, क्योंकि वे ईश्वर को जानते हुए भी प्रार्थना के हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए, बोथ मीन्स दोनों, फॉर मीन्स लिए, दोनों के लिए, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, हु मीन्स जो, कॉल मीन्स पुकारते हैं या कहते हैं, देम मीन्स उनको, फ्रेंड मीन्स मित्र। तो कवि कह रहा है कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोल्ड दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट थैंक्स अ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल फॉर देम फ्रेंड। तो किस लिए मनुष्य भेड़ और बकरियों से बेहतर है, क्योंकि वे अंधा जीवन जीते हैं और ईश्वर को जानते हुए भी वे अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना के हाथ नहीं उठाते हैं। और फॉर्सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड अबाउट द फीट ऑफ गॉड। फॉर्सो इसलिए क्योंकि होल राउंड अर्थ, होल मीन्स पूरी, राउंड मीन्स गोल, अर्थ मीन्स पृथ्वी, पूरी ये गोल पृथ्वी, इज एवरी वे, एवरी वे मीन्स हर तरह से, बाउंड मीन्स बंधी हुई है, बाय गोल्ड मीन्स सोने की जंजीरों से, सोने के द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड ईश्वर के पैरों से। तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी हर तरफ से सोने की जंजीरों के द्वारा ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ स्टैंजा कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स।